नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल ASP इन्फो हब में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच सके बहुत जल्द से जल्द। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका नाम है आम्रपाली एक्सप्रेस। दोस्तों, इस वक्त यह ट्रेन अमृतसर से लेकर कटिहार के बीच चल रही है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चलिए जानते हैं इस ट्रेन के इतिहास के बारे में। दोस्तों, यह ट्रेन सबसे पहले कानपुर से लेकर समस्तीपुर के बीच चलनी शुरू हुई थी और इस ट्रेन का नंबर था 505-506। जल्द ही इस ट्रेन को समस्तीपुर से आगे बढ़ाया गया और इस ट्रेन को बरौनी जंक्शन तक कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद 1988 में जब भारतीय रेल के ट्रेन नंबर 3 डिजिट से लेकर 4 डिजिट किए गए, तब इस ट्रेन को एक नया नंबर दिया गया और इस ट्रेन का नंबर हुआ 5205-5206। फिर इस ट्रेन को बहुत ही जल्द दिल्ली तक एक्सटेंड कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद ही फिर ट्रेनों का नंबर बदला गया, साथ साथ इस ट्रेन का भी नंबर बदला गया और इस ट्रेन को एक नया नंबर मिला 5707-5708। इस वक्त दोस्तों, यह ट्रेन अमृतसर से लेकर कटिहार के बीच चल रही है और इसका नंबर है 15707-15708। दोस्तों, यह ट्रेन 1804 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस तय करती है और इस डिस्टेंस को तय करने में इस ट्रेन को टोटल 37 घंटे लगते हैं। अमृतसर से लेकर कटिहार के बीच टोटल 52 हॉल्ट्स और 302 इंटरमीडिएट रेलवे स्टेशन है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटे की है और इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, लेकिन घबराइए मत, इस ट्रेन में आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। फिर भी आप ऑन बोर्ड कैटरिंग से और ई कैटरिंग के माध्यम से अपना खाना मंगा सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में लोकोमोटिव को छोड़कर 2 SLR डिब्बे हैं और 8 जनरल डिब्बे हैं। अगर आप अमृतसर से लेकर कटिहार की तरफ जाएंगे तो 4 डिब्बे आगे और 3 डिब्बे पीछे हैं, और अगर कटिहार से लेकर अमृतसर की तरफ जाएंगे तो 3 डिब्बे जनरल आगे हैं और 4 डिब्बे जनरल के पीछे हैं। इस ट्रेन में एक सेकंड क्लास एसी है और एक थर्ड क्लास एसी का डब्बा है, 10 स्लीपर क्लास के डब्बे हैं। टोटल इस ट्रेन में 22 डब्बे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह ट्रेन इस वक्त अमृतसर से लेकर कटिहार के बीच अपनी सर्विसेज दे रही है। और दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरती है। दोस्तों, मैं सभी रेलवे स्टेशन तो नहीं बता रहा हूँ, पर कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, यह ट्रेन अमृतसर से चलती है और कटिहार रेलवे स्टेशन तक जाती है। दोस्तों, अगर आम्रपाली एक्सप्रेस अमृतसर से कटिहार की तरफ जा रही होती है तब इसका नंबर होता है 15708। और दोस्तों, अमृतसर से यह चलती है, अमृतसर इस ट्रेन का ओरिजिन रेलवे स्टेशन होता है, जलंधर सिटी पहुंचती है, फिर उसके बाद लुधियाना से होते हुए अम्बाला कैंट पहुंचती है, फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचती है, फिर उसके बाद टुंडला और फिर कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, खगड़िया जंक्शन के रास्ते कटिहार तक पहुंचती है। दोस्तों, यह टोटल 1804 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जिसमें 37 घंटे लगते हैं। दोस्तों, मैंने प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बारे में बता दिया है, जिससे आपको आइडिया हो जाए यह ट्रेन किन किन रास्तों से होकर गुजरती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, एक तो टाइम टेबल, क्योंकि इंडियन रेलवे अपना टाइम टेबल कभी भी चेंज कर सकता है, और एक मैं किराए की जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि किराए भी कभी भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप इस ट्रेन में अगर ट्रेन की अवेलेबिलिटी चेक करना चाहते हैं और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैं उस दूसरी वीडियो का लिंक अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप तक मेरी वीडियोज पहुंच सके जल्द से जल्द। धन्यवाद दोस्तों।